आपके साथ एक मेकअप आई लुक शेयर करने वाली हूँ जो है स्मोकी आई लुक। और आपको अच्छा लगे तो आप कर सकते हो, और मैंने बहुत ही इजी वे में ये बताया है। और आप बहुत ही इजी और टीनेजर गर्ल हो या नया नया जो सीख रहे हो आप मेकअप, तो आप ये आसानी से कर सकते हो और आपको ये बहुत ही इजी लगेगा। सिर्फ हल्के फुल्के जो आपके पास प्रोडक्ट हो उनके साथ आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये मेरा अच्छा लग रहा है तो आप चलिए, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे और मेरा ये मेकअप अच्छा लगे तो आप देख सकते हो ये वीडियो, तो चलिए देख लीजिए आप। तो देखिए मेरा फेस बिल्कुल वेयर है, कुछ भी नहीं किया है मैंने। मैं अभी फेस वॉश नहा कर ही आ रही हूँ, फेस वॉश किया है मैंने। अब मैं टोनर लगाऊंगी, ये बायोटेक का टोनर है कुकम्बर वाला, तो अब मैं पहले ये लगा लूँगी। बहुत ही सिंपल लुक है ये, बहुत ही अच्छे से आप अगर जितना भी जितने अच्छे से आप ये वाली आईज में जितने अच्छे से ब्लेंडिंग करेंगे उतना अच्छे से निखर कर आएगा ये लुक, और ये लुक बहुत ही अच्छा होता है। तो मैंने अपने फेस को टोन कर लिया है, अब मैं मॉइस्चर लगाऊंगी, अपनी लोटस की क्रीम लगाऊंगी मैं, ये डे क्रीम है। SPF 25 है, PA ट्रिपल प्लस, तो मैं अब ये लगा लूंगी। तो मैंने क्रीम लगा लिए, अब मैं लिप बाम लगाऊंगी मेबलिन का। इस पे ये लिखा नहीं हुआ है कि कौन सा है ये शायद वाटर मेलन वाला है, तो मैं अब ये लगा लूंगी। फिर मैं अपने फेस पर प्राइमर की जगह ये लगाऊंगी, ये भी प्राइमर का ही काम करता है, इससे मेरे पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे। बस इतना ही लेना है मुझे, इतना ही नफ है। अब मैं अपने फेस पर लैक्मे CC क्रीम लगाऊंगी, ये SPF 30 है, PA डबल प्लस, और ये हनी वाली। मैं CC क्रीम ही लगाती हूँ अधिकतर, कोई भी डे में या फिर नाइट में कहीं भी जाती हूँ तो भी मैं CC क्रीम ही लगाती हूँ, मार्केट वगैरह जब जाती हूँ। और वैसे अगर किसी फंक्शन वगैरह में जाती हूँ तो भी फाउंडेशन का यूज़ करती हूँ। और ऐसे डॉट डॉट करके आपको लगा लेना है पूरे फेस पर। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए आप इसको अच्छे से। अब मैं अपने फाउंडेशन को थोड़ा सा CC क्रीम को थोड़ा सा पाउडर सेट कर लूंगी, ये है मेबलिन सुपर फ्रेश कॉम्पैक्ट, मेरा शेड है कोरल। हल्का हल्का सेट करना है मुझे क्रीम को। मैं सारा काम अपने फिंगर से ही कर लूँगी जहाँ पर भी ज़रूरत होगी, और मैं इससे ही कर लेती हूँ, मैं ब्यूटी ब्लेंडर नहीं यूज़ करती हूँ। अगर आप करना चाहें तो आप लोग कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कर रही हूँ तो आपको नहीं करना है, आपकी मर्जी है, आप कर सकते हो।
तो मैंने सेट कर लिया है, पाउडर सेटिंग कर लिया मैंने। अब मेरे पास कंसीलर है एडीएस का, इसमें कंसीलर भी है और इसमें फाउंडेशन स्टिक भी है। ये देखिए, सॉरी टूट गई है ये। तो अब मैं कंसील कर लूँगी अपनी आईज को ताकि आईज लुक अच्छे से आए निखर कर। क्योंकि जब भी स्मोकी आई बनाते हैं तो बहुत ही अच्छे से आँख ठीक होनी चाहिए, साफ होना चाहिए बिल्कुल, तभी उसका मेकअप जो है आईज मेकअप वो निखर कर आता है। तो मैं ब्लेंड कर लूँगी। तो मैंने ब्लेंडिंग कर ली है अच्छे से, इसी तरह ब्लेंडिंग कर लेनी है आपको, फिर थोड़ा सा पाउडर सेटिंग करूँगी। अब मैं काजल लूँगी, ये है लैक्मे आइकॉनिक काजल, इसको आप रफली यूज़ कर लीजिए बस, बहुत ही सिंपल लुक है ये, आप आराम से इसको कर सकते हो बहुत ही अच्छे से, आप कैसा भी लगा लीजिए, इसको ब्लेंड ही करना है आपको। पहले थोड़ा थोड़ा ही लेंगे, अब इसको एक ब्रश से, एक ब्रश है मैंने बेगा का ब्रश लिया है, और इसको अच्छे से नीचे ही नीचे ब्लेंड कर लेना है आपको अच्छे से। जितना ब्लेंडिंग में टाइम लगाएंगे आप उतना ही अच्छा आपका लुक आएगा, आईज लुक बहुत ही निखर कर आएगा। बस आपको नीचे की तरफ इस तरह से आपको करना है, स्मज करना है आपको अच्छे से, ब्लेंडिंग अच्छे से कर लेनी है। जितने अच्छे से आप ब्लेंडिंग करेंगे उतना ही अच्छा आपका लुक आएगा, ये स्मोकी आई लुक का यही फंडा है कि आप अच्छे से इसको ब्लेंड कीजिए। जितना ब्लेंडिंग आप अच्छे से करेंगे, जितना आप टाइम देंगे ब्लेंडिंग में, उतना ही अच्छा ये लुक आएगा आपका। तो इसी तरह से ब्लेंडिंग, कोई बात नहीं अगर यहाँ वहाँ लग जाए आपका, तो आप क्या कीजिए कि यहाँ से अच्छे से, बाद में सब सेटल करना ही है आपको, तो इसी तरह से रहने दीजिए। अब मैं एक आई शेडो पैलेट ले लूँगी, उसमें से एक ये कलर लूँगी मैं, ये वाला ये कलर ले लूँगी और अपनी मैं इसको इस तरह से ऐसे
से स्मज कर लेना है आपको, अच्छे से स्मज करना है। जितना ब्लेंड करेंगे उतना ही आपकी आईज, मैं ब्लैक कलर ही ले रही हूँ इस आईज में, अभी कर लूँगी। इस तरह से फिर अब मैं ये वाला कलर ले लूंगी, ये वाला कलर ले रही हूँ मैं, ये देखिए ये कलर थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, ये येलो नहीं है, ये येलो दिख रहा है इसमें लेकिन ये येलो नहीं है, तो मैं ये ले रही हूँ और अपनी ऊपर यहाँ यहाँ पर ब्लेंड कर लूंगी अच्छे से। दोनों को अच्छे से मिक्स कर लूंगी, ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे, इसलिए अगर ये थोड़ा ब्लैक कलर थोड़ा हल्का भी हो जाता है स्मोकी, तो फिर बाद में भी मैं करूँगी उसको फिर से, अभी मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मैं ब्लैक, ये वाला ब्लैक जो मैंने लिया था जिससे किया था, उसको ही अच्छे से उससे स्मज कर लूँगी ब्लैक ही, ताकि वो अच्छे से दिखे। ये आई लुक बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, देखिए मैंने कर लिया। ये नीचे कैसा लग रहा है, ऊपर कितना अच्छा लग रहा है, जब नीचे भी हम लोग कर लेंगे ना, जब मैं कर लूँगी तब बहुत अच्छा लगेगा। तो मैं अब नीचे कर लेती हूँ, ये मैंने काजल ही ले रही हूँ और और अब मैं इससे स्मज कर लूंगी वही ब्लैक कलर से नीचे की साइड में। देखिए डिफरेंस, मुझे ना मैंने ऊपर में कलर लिया था वो वाले से नीचे में स्मज कर दूंगी। तो देखिए आईज लुक कंप्लीट हो गया है। अब मैं जितना भी इतना फॉल आउट हुआ है वहां पर मैं बीबी क्रीम के साथ ही कर लूंगी।
मैं पाउडर सेटिंग कर दूंगी। अब मैं मस्कारा लगा लूंगी, बस हो गया मेरा। मेरे पास ब्लू हेवन का मस्कारा है ये। थोड़ा सा हाइलाइटर लगाऊंगी मैं, क्योंकि थोड़ा उठ के आए आईज। बहुत हल्का हल्का लगा रही हूँ मैं, ज़्यादा नहीं लगा रही हूँ। इसके बाद मैं लिप कलर लगाऊंगी, मैं लिप बाम हटा दूंगी। अब और ये NYV का क्रियोन है, लिप क्रियोन है ये। ये 13 शेड नंबर 13 है ये, बिल्कुल न्यूड सा है, यही लगाऊंगी है। ऊपर मैं लैक्मे का एब्सोल्यूट लिक्विड वाली लगा लूंगी मैं, थोड़ा सा ग्लिटर वाली है ये। तो गाइस आप लोगों ने देख लिया है कि मेरा ये लुक आपको कैसा लगा, ये भी मुझे बताइएगा इस वीडियो में। और आपको ये लुक अच्छा लगा या नहीं लगा मेरे साथ कमेंट में ज़रूर बताइए, कमेंट करके मुझे। और मेरे अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, थोड़ा भी हेल्पफुल लगा है आपको, ये स्मोकी लुक आप सीखना चाहते थे, तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ। और जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग नए आए हैं, मेरे वीडियो नए देख रहे हैं, चैनल नया देख रहे हैं, तो मेरे वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये बिल्कुल फ्री होता है, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, क्योंकि मैं जरा जो भी नया वीडियो अपलोड करूँगी वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा लुक अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए।
ये बिल्कुल फ्री होता है, तो आपको कोई टेंशन नहीं है, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ आपको ये अच्छा लगे वीडियो तो सिर्फ लाइक देना है आपको और सब्सक्राइब करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। और जो जो मैं आपको बता रही हूँ, जो जो प्रोडक्ट मैं दिखाती हूँ, जो भी मेकअप मैं आपको दिखाऊँगी, और बहुत ही अफोर्डेबल प्रोडक्ट ही मैं दिखाती हूँ, और मेकअप भी अफोर्डेबल प्रोडक्ट के साथ ही करती हूँ, ताकि आप लोग भी ये सब कर पाएँ। चलिए फ्रेंड्स, बाय।